वेलकम बैक व्यूअर। तो इस वीडियो में मैं जो है आपको सिखाने लगा हूँ कि हम जो है किस तरह अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे जो है किसी बोल्ट या विंगल की जो है IMI को किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। तो IMI रिपेयर करने या चेंज करने की ज़रूरत उस टाइम पड़ती है कि जब हम किसी भी USB को जो है अनलॉक करते हैं तो उसकी जो है IMI करप्ट हो जाती है, तो अक्सर बार जो है IMI ब्लॉक भी हो जाती है। तो आसान सा तरीका बताने लगा हूँ मैं आपको, DC अनलॉकर के थ्रू जो आप एक कमांड लगा कर किसी की भी IMI जो है रिपेयर भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो मेरे पास एक बोल्ट है E5573, तो ये मैं लगा देता हूँ, मैं आपको इसके IMI चेक करवाता हूँ। सबसे पहले तो कंप्यूटर से इसको अटैच कर लेते हैं, तो अभी देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो मेरे पास Windows 7 है, आपने बस सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर कर लेने हैं इसके। ये हुआवे की मेरे पास डिवाइस है, तकरीबन हुआवे के ही ड्राइवर होते हैं। तो ये देखें, गो टू होम पे मैं चला जाता हूँ, तो मैंने इसको अनलॉक किया है। अब जो है इसकी IMI करप्ट हो चुकी है, तो अब चेक कर लेते हैं। मैं पहले आपको IMI चेक करवा देता हूँ कि कैसे करप्ट, आप देख सकते हैं करप्ट हुई या नहीं हुई। तो ये DC अनलॉकर है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो DC अनलॉकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर्च पर कर लेते हैं क्लिक, तो अभी ये जो हमें सर्च करके दिखा देगा, तो कुछ सेकंड हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि DC अनलॉकर ऐसे ही चलता है। तो ये देखें, DC अनलॉकर ने निकाल दिया है। तो ये देखें, इसने मॉडल बता दिया है, E5573CS332 मॉडल है और इसका वर्जन है 21.323.01। तो इसका मैंने वर्जन अभी अपडेट किया है। तो ये देखें, ये जहाँ पर एक ऑप्शन है तीसरे नंबर पर IMI, तो ये देखें IMI 00 बता रहा है। तो अब हमने जो है इसकी IMI ठीक करनी है, तो हम IMI किस तरह ठीक कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो उसका सिंपल सा तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, एक कमांड है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वही आपने सिर्फ और सिर्फ ओपन करनी है। ये कमांड मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको टोटल कर लेते हैं कॉपी। अब आपको थोड़ा सा गौर करना है, इसको कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आके ये जो नीचे ये जो लाइनें हैं इनके नीचे आकर यहाँ पे आके पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद डिवाइस आपकी ओपन होनी चाहिए, उसके बाद आपने एंटर पे कर देना है क्लिक। जैसे ही मैंने ओके किया तो ओके की रिपोर्ट आ चुकी है कि ओके हो चुका है। अब जो है हमारी डिवाइस को रिस्टार्ट करना होगा, और रीसेट करने का एक तरीका है, आपने क्या करना है, यहाँ पर आके जो एक कमांड टाइप करनी है, A छोटा AT और Shift 6 दबाना है, ये डॉट आ जाएगी। उसके बाद AT लिखना था, उसके बाद आगे रीसेट लिख देना है, RESET। तो मैं ओके पे कर देता हूँ क्लिक। तो ये देखिए ओके आ चुका है, तो रीसेट हमारी जो हो चुकी है, अब डिवाइस रीस्टार्ट हो जाएगी हमारी। तो रिस्टार्ट हो रही है, कुछ सेकंड इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद मैं जो है आपको IMI चेक कराता हूँ कि हमारी IMI रिपेयर हो चुकी है या नहीं हुई है। अब सर्च पे कर लेते हैं क्लिक, सर्च अगेन। नहीं की सर, दोबारा कर लेते हैं। अब ये देख सकते हैं IMI जो है इसकी ठीक हो चुकी है। अगर मैं ऊपर आपको चल के दिखाऊं, ये IMI अगर आपको चेक कराऊं ना, ये यहाँ पे IMI तो ये शो हो रही है 3579। अगर ऊपर आपको चल के दिखाऊं जो पहले पहले हमने की थी, तो ये देखिए यहाँ पे 0 हो रही थी। तो इसी तरह जो है आप ये कमांड लगा के अपनी मर्ज़ी की जो है IMI आगे सेट कर दें, तो आप IMI चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपके पास हुआवे की कोई भी विंगल है या बोल्ट है, तो दोनों की जो है आप IMI रिपेयर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई डिवाइस ब्लॉक पड़ी है, कुछ पड़ी है, तो आसानी से इस तरीके से आप हल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, लाइक फ्री है। थैंक यू, हेलो।